हेलो स्टूडेंट्स, बिगनिंग फॉर वीकुंज में आपका स्वागत है। आज इसका हम पार्ट नंबर 5 करने वाले हैं, जिसमें कि हम देखेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। दैट मीन्स कि इनका जो यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से हुआ था, आज हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी अगर हम स्टार्टिंग देखें तो 1948 का जो टाइम पीरियड था उसके बाद ना एक बहुत बड़ा चेंज आना शुरू हुआ था यूरोप के अंदर। वो क्या था कि बहुत सारे क्या रेवोल्यूशन स्टार्ट हुए, तो जो क्या नाम है कंजर्वेटिज्म जो फॉलो करने वाले जो लोग थे ना एक तरीके से, उन्होंने भी क्या शुरू किया, जो नेशनलिज्म था ना, मतलब एक तरीके से जो नेशनल फीलिंग्स हैं उनकी हेल्प लेनी शुरू की, मतलब एक तरीके से उनको यूज़ कर नेशन डेवलप करने की कोशिश की थी। इसी का एक एग्जाम्पल है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इसमें सबसे स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो यूनिफिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका रहा था, मिडिल क्लास का। तो जो मिडिल क्लास जो लोग थे, मिडिल क्लास कौन थे मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आपको पता होगा कि लाइक एडुकेटेड जो लोग हैं बेसिकली वो इस मिडिल क्लास में इसमें इंक्लूड थे, बाकी और भी बहुत लोग थे। तो जो मिडिल क्लास जो लोग थे उन्होंने क्या किया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जो वो क्या चाहते थे, जर्मनी क्या बना दिया जाए, एक नेशनल स्टेट, मतलब एक नेशन स्टेट बना दिया जाए जहाँ पर जो भी इसके जो क्या नाम एक तरीके से जो जितने भी ये कहते हैं एक तरीके से छोटे 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 ग्रुप में डिवाइड है उन सबको मिलाकर क्या कर दिया जाए, एक कॉमन जर्मनी बना दिया जाए। ठीक है, तो इस चीज़ में क्या नाम है जो लिबरलिस्ट थे उन्होंने इसकी शुरुआत की, और इसमें क्या है बाकी लोगों ने भी क्या एक तरीके से जो मोनार्कीज हैं और जो उनकी जो आर्मीज़ हैं उन्होंने क्या उनको रोकने की कोशिश की। ठीक है, तो इसमें क्या एक तरीके से सबसे ज़्यादा उनको सपोर्ट किसने किया था, जो पर्शिया है ना हमारा, उसके जो लैंड ओनर्स थे उनको हम जंकर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ के जो लैंड ओनर्स थे पर्शिया के जिनको हम जंकर्स बोलते हैं, उन्होंने भी किसकी मोनार्की की हेल्प की जिससे कि वो क्या कर सके एक तरीके से इनको सप्रेस कर सके। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है जो प्रशा के जो एक तरीके से वहाँ के एक लीडर थे ओटो वन बिस्मार्क, उन्होंने क्या किया पूरे यूनिफिकेशन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, तो जो ओटो वन बिस्मार्क थे उन्होंने पहली बात तो क्या किया एक तरीके से उन्होंने जो वहाँ का जो ब्यूरोक्रेसी था और उनके जो वहाँ की आर्मी थी उनके साथ मिलकर पूरा एक कॉमन प्रोग्राम चलाया, एक पूरा प्रोसेस चलाया जिसमें उनको क्या काफ़ी लंबा टाइम पीरियड लगा। इसमें उन्होंने क्या एक तरीके से तीन युद्ध लड़े थे 7 साल के टाइम पीरियड में। तो 7 साल में 3 युद्ध लड़े, किसके साथ लड़े थे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस के साथ। लेकिन तीनों ही जो युद्ध हुए उसमें जो पर्शिया है वो जीत गया था, और जिसकी वजह से क्या है जो यूनिफिकेशन है वो वहाँ पे कंप्लीट हुआ था। अब जब यूनिफिकेशन वहाँ पे कंप्लीट हुआ तो उसके बाद कुछ चेंजेस आए। सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ, एक तरीके से एक बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा गया। ठीक है, तो जिसमें क्या है एक तरीके से कब रखा गया, जनवरी 1871 में रखा गया था, कहाँ पर, वर्षा में। ठीक है ना, तो वर्षा एक प्लेस का नाम है, तो वहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया था जहाँ पर ये अनाउंस किया गया जो एक तरीके से जो वहाँ के जो किंग है ना, कौन, विलियम फर्स्ट। ठीक है, उनको वहाँ का सम्राट, मतलब एक तरीके से एम्परर घोषित कर दिया था, अनाउंस कर दिया था कि ये क्या है एक तरीके से यहाँ के एम्परर है। इसी के बाद क्या है 18 जनवरी 1871 में क्या है, ठंड का टाइम पीरियड था तो वहाँ पर एक बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन, एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा गया था। ठीक है, तो जिसमें कि क्या नाम है काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे और कुछ एक चेंजेस भी किए गए, और यहीं से क्या है जो काइजर विलियम फर्स्ट है उनको एक तरीके से जो जर्मन एम्पायर था उसका नया एक तरीके से क्या है एम्परर अनाउंस कर दिया था कि ये यहाँ के न्यू एम्परर है। ओके, देन इसके बाद क्या है जो न्यू जर्मन एम्पायर बना था उसने कुछ एक चीज़ें इंट्रोड्यूस की, नई करेंसी, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम, नया लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और इसी के साथ क्या है जो भी इन्होंने सारी चीज़ें की ना उसको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से उसकी तारीफ की गई और बहुत लंबे टाइम तक उसको याद रखा गया और उसको एक मॉडल बना दिया गया, लाइक जर्मन मॉडल के नाम से क्या वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। तो स्टूडेंट्स, आपको ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली अभी मैं आपको कराने वाली हूँ, तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप ध्यान से देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन सी वॉर हुई, कब हुई, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। अभी SA1 में तो आपके 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन लीडर थे, कब उनको क्या नाम एक तरीके से किसको एम्परर बनाया गया था, लीडर और एम्परर में क्या डिफरेंस थे, ठीक है ना, कब बनाया गया, कहाँ पर ये मीटिंग रखी गई, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। ओके, तो अब हम आगे करते हैं, नेक्स्ट यूनिफिकेशन इटली की बात करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। ठीक है, अभी हमने जर्मनी की बात की है, तो ऐसे अब हम देखते हैं कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था। जो इटली का यूनिफिकेशन है ना,
ये भी क्या एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे जर्मनी का था एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस था, वैसे ही इटली का भी थोड़ा सा क्या एक लॉन्ग प्रोसेस है, जिसमें क्या है ये क्या है आपका यूनिफाइड हुआ था। अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो इटली में क्या बहुत सारे ना एक वंशानुगत राज्य, दैट मीन्स कि एक हायरार्किकल क्या नाम है यहाँ पर रूलिंग चलती थी। इसके अलावा यहाँ पर क्या था एक तरीके से हैब्सबर्ग जो एम्पायर था ना उसमें ये बिखरा हुआ था। अब हैब्सबर्ग एम्पायर क्या होता है, एक तरीके से छोटे 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 रीजन्स होते हैं, जैसे कि इसके अंदर हैब्सबर्ग में कौन कौन से आ जाते हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी अल्पाइन रीजन, ये सब क्या एक तरीके से बोमिया, तो ये सब क्या इसके पार्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं पूरे को हैब्सबर्ग एम्पायर। ठीक है, देन अगर हम देखें तो 19th century के अराउंड की अगर हम बात करें तो ये क्या है मेनली मोटे तौर पर अगर हम देखें तो 7 states में डिवाइड था। ठीक है, जिसमें से 7 में से सिर्फ एक ही हिस्सा था सैडनिया पिडमोंट, जहां पर क्या इटालियन प्रिंसली स्टेट्स रूल करते थे। ओके, तो इटालियन थे। और नॉर्थ में अगर हम देखें तो कौन था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, मैंने अभी बताया था आपको हैब्सबर्ग क्या है, एक तरीके से वो एरिया जहां पे ऑस्ट्रिया हंगरी इन सब का रूल था। ठीक है, सेंटर में कौन थे, पोप की रूलिंग थी, पोप आपको पता ही है जो चर्च वगैरह में होते हैं ना, तो उनकी रूलिंग थी। एंड देन साउथ में अगर हम देखें तो वो किसके पास था, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, बर्बन किंग्स मैंने बताया था ना जिनको क्या नाम है 1815 के बाद उनकी रूलिंग वापस मिल गई थी, तो बर्बन किंग ऑफ स्पेन के पास क्या एक तरीके से ये था। अब इसमें अगर हम देखें इसकी यूनिफिकेशन में एक और मेन बात, यहाँ पे क्या है कोई एक कॉमन लैंग्वेज बोलने वाले लोग यहाँ पे नहीं रहते थे, यहाँ पे अलग अलग जैसे होता है ना एक रीजनल लैंग्वेज, अधिकतर लोग क्या करते थे यहाँ पे अपनी अलग अलग लैंग्वेज का यहाँ पे वो लोग यूज़ करते थे। तो किसी एक लैंग्वेज को यहाँ की कोई नेशनल लैंग्वेज इस तरीके का या कॉमन लैंग्वेज का कोई भी दर्जा या फिर इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं मिली हुई थी। जैसे जो अगर हम देखें इटली नाम है तो इटालियन जो लैंग्वेज है उसको वहाँ की कोई कॉमन लैंग्वेज वहाँ पर माना जाता हो, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग लैंग्वेज वहाँ पर लोग बोलते थे। अब इस पूरा जो प्रोसेस है ना इसका यूनिफिकेशन का, इसमें क्या है 3 main leader आपके यहां पर हैं जिनको जिनके आपको नाम याद रखने हैं। 1 marks में आपसे पूछ सकता है कि कौन से क्या नाम है ये जो लीडर हैं वो किसके यूनिफिकेशन में है, जैसे कि जोसेफ मेज़िनी, मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियोस हमारी उसमें बताया है मेज़िनी कौन थे। ठीक है ना, मेज़िनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है इटली के यूनिफिकेशन में। ठीक है, देन है काउंट कैवियर, देन जोसेफ गैरिबाल्डी। ठीक है ना, ये 3 main हैं जिनका कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके यूनिफिकेशन में। अब हम क्या है वन बाय वन देखते हैं कि किस तरीके से अगर हम देखें 1830 का टाइम पीरियड अगर हम देखें तो 1830 में क्या हुआ था, 1830 के टाइम पीरियड में जोसेफ मेज़िनी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सबसे ज़्यादा तो इन्होंने क्या किया, एक तरीके से जो यहाँ का जो एक तरीके से जो पूरा रीज़न था ना, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो लोग थे उनको अवेयर करने के लिए सबसे पहले तो इन्होंने ग्रुप बनाया, कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए, एक ग्रुप बनाया अपना यंग इटली, एक पार्टी बनाई थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा यंग इटली एस्टैब्लिश कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। अगर आपको पता है तो आप कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियोज़ देखिए, आपको पता लग जाएगा क्योंकि 1 marks में आपसे पूछ सकता है। तो यंग इटली एस्टैब्लिश की थी, एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो इन्होंने एस्टैब्लिश की थी, जिसमें क्या है एक तरीके से यहाँ के अधिकतर जो यंगस्टर्स थे ना उसको इसमें इंक्लूड किया गया था, जिससे कि उनके अंदर क्या है एक पैट्रियोटिज्म होता है ना एक तरीके से राष्ट्रवाद की, दैट मीन्स की नेशन की फीलिंग कि हाँ भाई ये मेरा देश है इसको हमें आज़ाद कराना है इसके लिए हमें लड़ना है, तो सेक्रीफाइस की इटालियन ड्यूटीज मतलब अपने कंट्री को लेकर जो भी आपकी ड्यूटीज है ना इस तरीके की जो फीलिंग है वो उनके अंदर इनकलकेट की गई थी। ठीक है, अब ऑब्वियस है कि कोई इस तरीके की चीज़ें करेगा तो यहाँ पर क्या है जितने भी बहुत बार कोशिश की इन्होंने तो 1831 से 1848 के बीच में बहुत सारे जो एक तरीके से जो रेवोल्यूशंस है ना मतलब जो क्रांति उन्होंने की, विद्रोह किए, रिवोल्ट किए, उन सबको क्या एक तरीके से सप्रेस करने की कोशिश की थी किसने, क्या नाम है आपके वहाँ के जो रूलर थे उन्होंने क्या है इन सारे जो जो युद्ध हैं या फिर ये जो क्रांतियाँ हैं इनको रोकने की कोशिश की थी, कौन थे वहाँ के, विक्टर एमानुअल सेकेंड ने। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या है पूरे हिस्से को जोड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी बाद में, सिडनी और पेडमोंट रीजन को इन्होंने जोड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी, लेकिन उन्होंने क्या है इन सारे जो इन्होंने पहले जो अपराइजिंग्स थे ना उनको सप्रेस करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट हमारे क्या है एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आते हैं, वो कौन, जो उनके जो आपके क्या नाम है सार्डिनिया पिडमोंट के जो एक तरीके से रूलर थे ना विक्टर एमोनुअल, उनके एक तरीके से मंत्री थे बहुत फेमस कैवियर। ठीक है ना, देन काउंट कैवियर। ठीक है, और उसके बाद ये वहाँ के सीएम भी बने थे कुछ टाइम के लिए एंड 1848 के समथिंग में। इनका भी इंपॉर्टेंट रोल कहा जाता है यूनिफिकेशन में बहुत ज़्यादा। इनकी बट एक स्पेशल बात ये थी कि ये डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं रखते थे, और ना ही ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ रेवोल्यूशनरी ही थे कि मतलब रेवोल्यूशंस वगैरह ही करते थे, ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ रेवोल्यूशन पे ही बिलीव रखते थे। ठीक है ना, ये कॉमन स्ट्रैटेजी अपने लेकर चलते थे। इनका मेन क्या था एक तरीके से लोगों को साथ में लेकर चलना।
ठीक है, उनमें विश्वास रखना। ओके, तो इस तरीके से इसमें फिर इनका साथ क्या है, काफ़ी सारे एडुकेटेड जो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उनको सपोर्ट किया, जो भी वहाँ पे क्या नाम है एक तरीके से फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे वही सब, उन सब ने, और इन्होंने ना मतलब ये एक बड़े डिप्लोमेटिक टाइप के इंसान थे, तो इन्होंने एक हिडन अलायंस किया, मतलब एक होता ना एक छुप कर एक पूरा एक क्या नाम है ग्रुप बना देना। तो सार्डिनिया पिडमोंट को इन्होंने क्या कर दिया, फ्रांस के साथ जोड़ा, दैट मीन्स कुछ टाइम के लिए क्या है फ्रांस से इनका कोलैबोरेशन किया, और इस वजह से उन्होंने फिर ऑस्ट्रियन जो फोर्सेस थी ना, मैंने बताया ना ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग रीजन था नॉर्थ में, तो उस ऑस्ट्रियन फोर्सेज को इन्होंने क्या कर दिया, हरा दिया। ठीक है, देन क्या है उसके बाद उन्होंने उसको हरा दिया था 1859 में, क्या है एक तरीके से उनको उन्होंने हराया था इन पूरी फोर्सेस को। देन उसके बाद क्या है एक तरीके से जो पूरी ये फोर्स थी इनको हराने के लिए क्या है एक क्या नाम है और पर्सन थे, एक लीडर थे जोसेफ गैरिबाल्डी, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया था, एक फेमस मतलब इनकी आर्मी तो थी ही अपनी कैफ्योर की, इसके अलावा एक फेमस आर्मी बनाई थी क्या नाम है आपके गैरिबाल्डी ने, उसको लीड किया था, उसके लीडर थे ये, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे और क्या नाम है इस तरीके से 1860 में क्या है जाकर जो साउथ में जो दो क्या नाम है आपके से ना सिलसिली, तो उस एरियाज में भी क्या है इन्होंने एंटर किया और वहाँ पर भी क्या है धीरे धीरे उनको भी कैप्चर करने की कोशिश की, और वहाँ के क्या है जो लोकल जो पीजेंट्स वगैरह थे ना उन्होंने एक तरीके से क्या है उनकी हेल्प की थी। अब इसमें ना बड़ा एक अजीब सा था, और 1861 में फिर इसी हेल्प की वजह से क्या है वहाँ पे विक्टर एमानुअल सेकंड को जो इन न्यू जो इटली फॉर्म हुआ था ना उसका क्या बना दिया जाता है, किंग बना दिया जाता है, और इटली की कैपिटल रोम को डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब वहाँ के पीजेंट्स वगैरह ने हेल्प तो कर दिया है ना, तो अब लेकिन क्या है कि वो एजुकेटेड तो नहीं थे, तो उनको क्या लगता था, उनको तो मतलब ही नहीं पता था कि भाई ये इटालिया क्या है, ये सब क्या है, मतलब इनको इन सब चीज़ों का मतलब ही नहीं पता था। इनको तो लगता था जो विक्टर एमानुअल है उसकी जो वाइफ है उसका नाम इटालिया है, मतलब इटालिया है, तो इस वजह से क्या है वो सिर्फ उनको सपोर्ट कर रहे थे, इसके अलावा नथिंग एट ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है जो पूरा ये प्रोसेस है यूनिफिकेशन ऑफ क्या नाम है आपका इटली, ये पूरा कंप्लीट होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं ब्रिटेन, एक ये भी एक बड़ा स्ट्रेंज सा केस है, ठीक है। जैसे कि आज आप बात सुनते होंगे, आपने ब्रिटेन का नाम सुना होगा, आप ग्रेट ब्रिटेन सुनते होंगे, यूनाइटेड किंगडम सुनते होंगे, ठीक है। तो ऐसा ही हम यहाँ पे एक केस देखने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें जो एक नेशन स्टेट का जो एक मॉडल था ना, जो ग्रेट ब्रिटेन की अगर हम बात करें, तो ये ऐसा नहीं था कि कोई सडनली एक क्या नाम है अप एंड डाउन हुए और ये सारी चीज़ें हो गई या कोई रिवॉल्यूशन आया और ये बन गया, नहीं, ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये एक, ठीक है ना, मतलब एक लंबा समय लगा था इस पूरे प्रोसेस, मतलब एक तरीके से पूरे किंगडम को एस्टैब्लिश होने में। अगर हम 18th century के समथिंग देखें तो ब्रिटेन के नाम से ना कोई नेशन था ही नहीं, पहली बात तो जिस ब्रिटेन को आज नाम सुनते हैं आप, तो ऐसा कोई नेशन था ही नहीं। उस टाइम पे क्या था, अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड्स थे, आपको आइलैंड्स पता है ना, तो आइलैंड्स थे वहाँ पर क्या है एक तरीके से अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते थे, जैसे जिसमें कौन थे आपके एक तरीके से ब्रिटिश थे, वेल्स थे, स्कॉट थे, आयरिश थे, आयरिश दैट मीन आयरलैंड वगैरह के लोग, तो इस तरीके से क्या अलग अलग क्या थे वहाँ पे एथनिक ग्रुप्स थे। और इन सभी जो ये जितने भी एथनिक ग्रुप है ना, अब आपको पता है कोई भी एथनिक ग्रुप है तो उसका अपना खुद का कल्चर, पॉलिटिक्स, ये सब उनकी अपनी अलग अलग थी, ठीक है। तो इसमें अब क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ पर अगर हम देखें तो इन सारे ग्रुप्स में क्या है, जो आपका जो इंग्लिश ग्रुप है ना, ठीक है, वो क्या था एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, उसके पास पैसे भी ज़्यादा थे, धीरे धीरे इंपॉर्टेंस बढ़ती गई, तो उसने क्या किया, जो भी उसके आसपास के छोटे छोटे आइलैंड्स थे ना उनको कैप्चर करना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसकी स्टार्टिंग उन्होंने कैसे की, इसके लिए उनको क्या करना पड़ा, एक बहुत लंबे टाइम पीरियड तक क्या है एक तरीके से उनको जो मोनार्कियल जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसको फेस करना पड़ा था, ठीक है ना, उसके साथ एक तरीके से कह सकते हो उनकी ताकत को उनको छीनना पड़ा था, और वहाँ पर क्या एक तरीके से उनकी पावर को उन्होंने 1688 में उन्होंने जो वहाँ की जो मोनार्कियल गवर्नमेंट थी उससे वहाँ की जो पार्लियामेंट्री थी उसको छीन लिया था, ठीक है। और इसी के बाद क्या है वहाँ पर एक नेशन स्टेट डेवलप करना उन्होंने धीरे धीरे शुरू किया, जिसके सेंटर में कौन आता है आपका, इंग्लैंड आता है, ठीक है। तो ये जो सेंटर में जो इंग्लैंड आता है इसकी स्टार्टिंग कैसे की इन्होंने, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों के बीच ना एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप किया इन्होंने, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से एक्ट ऑफ यूनियन, ठीक है ना। तो एक तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप किया 707 में, ठीक है, तो जिसका कि नाम यहाँ पर क्या है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बाद में इसको रखा गया,
ठीक है ना, इसका नाम रख दिया बाद में क्या, जिसको आज हम बांधते बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसका एक एस्टेब्लिशमेंट किया गया 707 के एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा, जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से उनको साथ में मिला दिया गया था। अब अगर हम देखें तो जो इंग्लैंड था उसने क्या किया, स्कॉटलैंड को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। मतलब इंग्लैंड ने क्या है, एक तरीके से इंग्लैंड के पास पावर ज़्यादा थी क्योंकि वो उसके सेंटर में था, और धीरे धीरे स्कॉटलैंड को इसने क्या है, एक तरीके से कैप्चर करना और उसको अपने कंट्रोल में रखना धीरे धीरे शुरू कर दिया। ठीक है, इसी के साथ क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, अब कोई ग्रुप दूसरे ग्रुप को डोमिनेट करना शुरू करेगा तो वहाँ का अपना जो उनका कल्चर था ना, कहाँ कहाँ का, स्कॉटलैंड के लोगों का, जो उनका स्कॉटिश जो उनका कल्चर था एक तरीके से, वहाँ रहने वाले जो ग्रुप थे, जो कैथोलिक ग्रुप थे, उन सबको एक तरीके से उनका जो कल्चर है उनसे वो छीन लिया। ना उनको अपने पसंद से कपड़े पहनने की परमिशन थी अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, ना उनकी लैंग्वेज वो बोल सकते थे, ना अपने कल्चर को वो फॉलो कर सकते थे। अगर कोई वहाँ पे अपोज करता भी था वहाँ के लोग, तो जो उनकी गैलिक जो लैंग्वेज है ना उसको बोलने के लिए या फिर कपड़े अपने तरीके के पहनने के लिए, तो उनको क्या किया जाता था, एक तरीके से उसके लिए पनिश किया जाता था। ठीक है, और उसकी उनको टोटली इस चीज़ की मनाई थी, तो इसी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो गए, तो उनको क्या है अपनी जगह को माइग्रेट कर छोड़कर जाना पड़ा, और उन्होंने क्या एक तरीके से अपने ही प्लेस को छोड़कर दूसरे जो कंट्रीज हैं, दूसरे जो नेशन स्टेट्स हैं, वहां पर उन्होंने जाकर रहना शुरू कर दिया मजबूरी में। इसी के बाद क्या हुआ, एक और चेंज आया, किसमें, आयरलैंड। आयरलैंड को भी क्या एक तरीके से वहां पर दो ग्रुप रहते थे, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। ठीक है ना, दोनों ही क्रिश्चियन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं एक तरीके से, लेकिन जो कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट थे, ये दो ग्रुप में क्या है आपका आयरलैंड बटा हुआ था। लेकिन जो आयरलैंड है, यहाँ पे जो प्रोटेस्टेंट ग्रुप जो था ना, उसको किसने सपोर्ट किया एक तरीके से, ब्रिटिश ने उसको क्या एक तरीके से सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि आप क्या करिए, जो बाकी जो ग्रुप है ना उनको डोमिनेट करना शुरू कीजिए, लाइक कैथोलिक्स वगैरह जो बाकी अदर ग्रुप्स हैं उनको हम डोमिनेट करो। ठीक है, तो इसी के साथ क्या है, उन्होंने उनको डोमिनेट करना शुरू कर दिया, और यहाँ पे क्या है, जो भी उन सब के खिलाफ कुछ भी हो करता तो उनको क्या है एक तरीके से सप्रेस कर दिया जाता था। इसी में क्या है, वॉल्फ टॉन और एक तरीके से उनकी यूनाइटेड आयरिशमैन, एक तरीके से उनकी एक फोर्स कह सकते हो वो थी, 1798 की बात है, उन्होंने क्या है कोशिश की रिवोल्ट करने की, तो उनके रिवोल्ट को भी क्या है सप्रेस कर दिया गया, और 1801 में आयरलैंड को क्या है एक तरीके से फोर्सफुली यूनाइटेड किंगडम में एड ऑन कर दिया। बताया था ना मैंने यूनाइटेड किंगडम जो स्कॉटलैंड और आयरलैंड को मिलाकर बनाया गया था, उसमें अब क्या नाम आपका क्या है एक तरीके से आयरलैंड जो था एक तरीके से उसको इस तरीके से एड ऑन कर दिया। क्लियर, देन यहाँ पर क्या है, उसको अगर उन्होंने अपने में इन्वॉल्व किया है तो कम्प्लीटली वहाँ पे क्या एक तरीके से पूरा एक ब्रिटेनिक एक तरीके से ब्रिटेन नेशन वो बन गया, और वहीं पर उनके ही क्या एक तरीके से सिंबल्स हैं, लैंग्वेज है, सारी चीज़ें यूज़ होने लगी, जैसे वहीं का फ्लैग, यूनियन जैक, नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग, इस तरीके की चीज़ें, और इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ होनी शुरू हो गई, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है जो आपका ब्रिटेन है उसका डेवलपमेंट या फिर उसको एस्टैब्लिश किया गया था। क्लियर, तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको ये तीनों यूनिफिकेशन थोड़े बहुत समझ में आए होंगे अच्छे से। इसको जितना ज़्यादा आप देखेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं एक चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती है, तो उसको दो तीन बार आप देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और इसमें मेन जो नाम है ना उनको ज़रूर याद रखना, क्योंकि आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में, ऐसे वन में ये नाम ज़रूर आएंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो है ना आपको एक वो भी दिखाया गया कि है ना आपकी ग्रुप में एक इमेज है जिसमें गैरी ब्लैडी को क्या है एक तरीके से जो सार्डिनिया पिनमोंट के जो राजा थे ना इमैनुअल सेकंड, उनको एक शू पहनाते हुए दिखाया गया है। दैट मीन्स कि वो क्या कर रहे हैं उसको जीतने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। कौन, गैरी ब्लैडी ने किसकी हेल्प की थी, विक्टर इमैनुअल की, तो इसी वजह से वो शू पहना रहे हैं, दैट मीन्स कि वो उसको कैप्चर करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखना जैसे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, और जितना ज़्यादा हो सके इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।